मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, यह अंगूरी पानी नहीं है, नहीं है यह अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है, नहीं है हमें दुनिया का कोई डर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है।
लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बरसाने में है सुमत दुलारा तेरे बरसाने में है। सुमत दुलारा तेरे बरसाने में है। तेरी कृपा
की शीतल छाया तेरे बरसाने में है। Oh,
तेरा शाम हमने सर्व जगत में देखा, राधा तेरा शाम हमने सर्व जगत में देखा, राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा।
खाना दिल दीवाना हो गया। तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मण खड़ी, तीसरा मीरा काना दिल दीवाना हो।
कठिन घड़ी में जब भक्त पुकारे, दौड़े चले आते मेरे श्याम प्यारे, रात दिन हो रात दिन हो सुबह हो या शाम, बांसुरी वाले शाम तेरी महिमा बखाने, पर तेरी माया प्रभु तू ही जाने, रवि करता रवि करता तेरा गुणगान, बांसुरी वाले श्याम हमारे।
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। दुनिया में कोई तुझ जैसा मिल पाया ना, धन्य सुदामा गरीबी में भी स्वाभिमान घटाया ना। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया दोस्ती का मतलब क्या होता है? इस पर कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मित्र सुदामा, दोस्ती तो मतलब से कोसों दूर होती है। जहां दोस्ती होती है वहां मतलब नहीं होता, और जहां मतलब होता है वो दोस्ती नहीं होती। और दोस्तों, इस दुनिया को सच्ची दोस्ती का मतलब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने ही बताया था कि कैसे एक दोस्त के बिना कुछ कहे दूसरा दोस्त उसके अंतर मन की बातें जान जाता है। स्वाभिमानी सुदामा ने कुछ नहीं कहा, मगर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के अंतर मन की बातें जान गए। और इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त के अंतर मन की बातें जाने कृपा निधान, दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान।
के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान, भक्त के अंतर मन की बातें, भक्त के अंतर मन की बातें, जाने कृपा निधान दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। गरीबी से बेहाल सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन सुदामा से कहने लगी, देखो जी घर में बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तन ढकने के जो कपड़े हैं वो भी फटते जा रहे हैं। आप कहते हो कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, एक मित्र के राजा रहते हुए दूसरा मित्र अगर दुख झेले तो लानत है ऐसी मित्रता पर। आप अपने दोस्त के पास जाते क्यों नहीं? अरे अगर वो चाहें तो हमारी सारी समस्याएं एक पल में दूर हो जाएंगी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी, आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी, मित्र के पास में जाते नहीं हो, हाल क्यों अपना सुनाते नहीं हो, सारी समस्याओं का होगा, सारी समस्याओं का होगा पल में समाधान, दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। पत्नी के ताने सुनकर सुदामा ने आखिरकार द्वारका जाने का निश्चय किया। नंगे पांव, तन पर फटे कपड़े, कमजोर शरीर और हाथ में लाठी लिए सुदामा द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और खुद को श्री कृष्ण के बचपन का मित्र बताते हुए महल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। द्वारपाल सुदामा को देखकर और उनकी बातें सुनकर चकित हो जाते हैं कि भला एक राजा और एक भिखारी की कैसी दोस्ती। द्वारपाल सुदामा को अंदर जाने से मना कर देते हैं। इस पर सुदामा रो रोकर द्वारपालों से कहते हैं, मेरे भाई तुम कन्हैया को जाकर सिर्फ ये कहना कि उनका बचपन का मित्र आया है, तुम सिर्फ सुदामा नाम बताना, वो मुझे जरूर पहचान जाएंगे, जरूर पहचान जाएंगे। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए, विप्र सुदामा द्वारकाए,
द्वारपाल से अरज लगाए, जाके कन्हैया को बतला दो मेरे दिल का हाल सुना दो। सिर्फ सुदामा नाम बताना, सिर्फ सुदामा नाम बताना, जाएंगे पहचान दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। सुदामा की जिद के आगे मजबूर होकर द्वारकाधीश के महल का द्वारपाल कन्हैया के पास सुदामा का संदेश लेकर आता है और अंदर आकर श्री कृष्ण से कहता है, सीस पगा न झगा तन में प्रभु जान कुआ ही बसै कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान हकी नहीं सामा, द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव महल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। महल के सारे लोग यह देखकर चकित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन आया है जिसको देखने के लिए स्वयं द्वारकाधीश दौड़े जा रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार धारा प्रवाह बह रही थी और बहे भी क्यों ना, आखिर उनके बचपन का मित्र सुदामा जो आया था। कन्हैया महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और सुदामा को सीने से लगाकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। अपने संग में सुदामा को महल के अंदर लाते हैं और अपने साथ अपनी बराबरी में सुदामा को बिठाकर अपने आंसुओं से अपने बचपन के मित्र सुदामा के पांव पखारते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, दोस्त हो तो कृष्ण जैसा। द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा जो ही बताया, ओ द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा जो ही बताया, नंगे पांव श्री कृष्ण जी धाए, मित्र सुदामा को गले लगाए, असुवन से प्रभु पांव पखारे, असुवन से प्रभु पांव पखारे, मित्र न कृष्ण समान दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। सुदामा के पांव पखारते हुए श्री कृष्ण उनसे मजाक करते हुए पूछने लगे कि भैया तुम तो आए, भाभी को साथ नहीं लाए, भाभी कैसी हैं भैया? और भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ खाने को भेजा होगा, वो तुम पोटली में क्या छुपा रहे हो भैया? सुदामा की पोटली छीनकर
श्री कृष्ण चावल के दाने खाने लगते हैं। उसके बाद सुदामा से कहते हैं कि भैया, तुम्हें जब कोई परेशानी थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपने मित्र कृष्ण पर भरोसा नहीं था? समाने बीत गए भैया, ना तो तुमने मेरी खबर ली, ना ही कभी अपना हाल सुनाया। भैया, तुम्हें देखने को आंखें और तुम्हारे बोल सुनने को कान तरस रहे थे। सुदामा की पोटली से चावल खाते हुए श्री कृष्ण जब पहली मुट्ठी खाए तो एक लोक सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक भी सुदामा को दे दिया, तीसरी मुट्ठी जब उठाए तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ते हुए समझाया, हे स्वामी, क्या आप सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखेंगे? तब हालांकि कृष्ण समझ गए, मगर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, प्रिय, दोस्ती में सिर्फ ये देखना होता है कि मेरा दोस्त कितना खुश है। एक दोस्त को दुखी देखकर दूसरा दोस्त अगर दुखी नहीं होता है तो सच्ची मायने में वो दोस्ती नहीं होती है। जो मेरा है वो सब कुछ मेरे दोस्त का है। संग सुदामा के बैठ कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। संग सुदामा के बैठ कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। क्यों न सुधी मेरी ले पाए, इतने बरस तुम कहाँ बिताए। तुम्हारे दरस को तरसे नैना, तुम्हारे दरस को तरसे नैना। बोल सुनन को कान दया के, सागर है भगवान दया के, सागर है भगवान। दोस्तों, इसीलिए आज भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दुनिया बड़े सम्मान से याद करती है। दुनिया में आज भी जब भी कभी दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे ऊपर आता है कि कैसे एक दोस्त गरीब था, दूसरा दोस्त राजा था, मगर दोनों ने ऐसी दोस्ती निभाई कि दुनिया आज भी याद करती है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। मथुरा के तारे गोकुल में चमके, मथुरा के तारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहां गए पुकारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया। जैसी करनी वैसी भरनी, यह संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण।